Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss videos, lectures over the main broad heading curriculum, in which this time I am going to discuss different types of curriculum. Okay, as usual, the lecture will be in bilingual mode and it will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your general and professional BA, MA and BA, DMed courses. Okay, so let's start. First of all, how many types of curriculum? There are so many types of curriculum. बहुत तरीके के पाठ्यक्रम होते हैं, मैंने कुछ ही लिए हैं. और क्योंकि पहला एक लेक्चर वीडियो आपके संग पहले भी शेयर हो चुका है करिकुलम डिजाइन के नाम से, इसलिए सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और एक्सपीरियंस सेंटर्ड को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. इंटीग्रेटेड करिकुलम चूंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड होगा. तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ हिडन ओवर्ट और एक्सप्लिसिट, हिडन और इम्प्लिसिट, नल और कोर करिकुलम डिस्कस करूंगी. तो सब कितने तरीके के करिकुलम हो सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी कि विषय आधारित पाठ्यक्रम है, यानी कि इसमें महत्ता किस पे दी गई है, विषय को, डिसिप्लिन को महत्ता दी गई है. टीचर सेंटर्ड करिकुलम का मतलब कि करिकुलम किसके इर्द गिर्द बनाया गया है, टीचर के अराउंड, तो शिक्षक इसमें प्रधान है. लर्नर सेंटर्ड करिकुलम मतलब हमने लर्नर के हिसाब से बनाया है, अधिगमकर्ता के हिसाब से बनाया, शिष्य के हिसाब से बनाया, स्टूडेंट के हिसाब से बनाया, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज भी फिर उसी हिसाब से चेंज होती जाएंगी. और अगर एक्टिविटी सेंटर्ड या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम होगा, इसका मतलब इसमें बहुत सारी आपसे प्रायोगिक कार्य करवाए जाएंगे, बहुत हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी. ठीक है, तो ये चूंकि पहले डिस्कस किया जा चुका है इसलिए यहाँ पर इसको नहीं. तो यहाँ पर हम आपसे बात किस पर करेंगे, ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम क्या होता है, नल करिकुलम किसको कहते हैं, कोर करिकुलम. देखिए कई बार हम लोग कहते हैं ना ये हमारे कोर करिकुलम का हिस्सा है, कोर करिकुलम का हिस्सा है, अक्सर इसको बोल देते हैं, लेकिन आप आई होप कि बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे. और इंटीग्रेटेड करिकुलम क्योंकि एक बड़ा रीसेंट टॉपिक है तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या है. देखिए एक्सप्लिसिट है ना, यानी कि व्यक्त है, अव्यक्त है ये खुद ही. तो ओवर्ट करिकुलम और एक्सप्लिसिट करिकुलम इज द इंटेंडेड करिकुलम, यानी कि हमने जानबूझकर ये किया है. दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस करिकुलर विच आर इंटेंशनली प्लान्ड बाय द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द लर्नर्स. इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज विच आर ओवर्टली प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स. मतलब मान लीजिए कि हमारा कॉलेज, हमारा इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स को बहुत महत्ता देता है, इसका मतलब हम जानबूझकर आपको वो अनुभव देंगे, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा उसको बनाएंगे, बार बार वो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराएंगे जिससे आपको स्पोर्ट्स के प्रति रुचि हो, या हमको वो बच्चे मिल जाएं जो स्पोर्ट्स में बढ़िया हो तो हम उनको आगे अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन उनका करा सकें. इसी तरह से कोई भी चीज हो सकती है. तो ओवर्टली हम कर रहे हैं, बढ़ के कर रहे हैं, आगे आके कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, इंटेंशन है हमारा कि आपके में डेवलप हो सके, वो ओवर्ट या एक्सप्लिसिट कार्यक्रम पाठ्यक्रम होता है. ज्ञान हो सकता है, कौन सा ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं, कौन से कौशल हम आप में विकसित करना चाहते हैं, हम आप में कौन सी अभिवृत्ति डेवलप करना चाहते हैं, कौन से मूल्य हम अपने स्टूडेंट्स में चाहते हैं, वो ओवर्टली अगर स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन करता है, कोई काम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराता है, तो वो सब कुछ ओवर्ट या एक्सप्लिसिट कार्यक्रम का हिस्सा है. मतलब सब कुछ ऑब्वियस है कि ये हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, प्लान करके किया जा रहा है. ठीक, हिडन और इम्प्लिसिट इससे अलग है, बिल्कुल विपरीत है. ये क्या है, अनइंटेंडेड और अननोटिस्ड है. मतलब इसी तरह से जो ओवर्ट होगा, इसका मतलब कि वो करिकुलम सिलेबस में भी कहीं कहीं दिखाई देगा आपको कि ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, क्योंकि हम ओवर्टली कर रहे हैं. लेकिन जो हिडन करिकुलम है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं ये इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात, हम जानबूझ के ऐसा कर ही नहीं रहे. स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कॉन्शियसली प्लान एंड डिजाइन सच करिकुलम. हमने जानबूझकर ना इसकी योजना बनाई है, ना इसका नमूना बनाया है. किसका, हिडन करिकुलम. हिडन का मतलब क्या है, छुपा हुआ है. ओवर्ट का मतलब क्या है, जो बाहर है, जो व्यक्त है. अ टीचर ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शनल इनपुट विच माइट नॉट बी प्लान एंड डिजाइन बाई हर अर्लियर. मतलब कोई टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए गया तो वो जो इंस्ट्रक्शनल इनपुट देता है, वो जो जेस्चर आपके साथ शो करता है, ये आगे आ रहा है, नॉन बिहेवियर जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, एप्रिसिएशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर,
इन सब से हम बहुत कुछ आपको कन्वे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल टीचर है, वो क्लास में फीमेल्स को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही है, या अगर कोएड है तो मेल बच्चों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, या ये हो सकता है कि किसी विशेष वर्ग के बच्चों को इम्पोर्टेंस दे रही है, बाकियों को नहीं दे रही है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से हम छुपा हुआ ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं कि ये जाति इससे बेहतर है या ये लड़के लड़कियों से बेहतर है, जनरली जो होता है ना, या कोई भी इस तरीके की बात हो सकती है जिसको हमने कहीं नोटिस नहीं किया है, हमने कहीं इंटेंशनली नहीं किया, हम जानबूझ के कर ही नहीं रहे, लेकिन क्योंकि हम उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो क्लास में हम हिडन तरीके से वो आपको कन्वे करते हैं। तो क्या कह रहा है करिकुलम, है क्या टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कह रहा है करिकुलम क्या है, वो इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है वो सब आपको किसी न किसी मायने में आपके को अनुभव दे रहा है और वो अनुभव आपको शिक्षित बना रहा है। तो ये करिकुलम कहीं लिखा नहीं है, कहीं नोटिस नहीं किया गया है, कहीं इसकी योजना नहीं बनाई गई है, इसके बावजूद टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल इनपुट से अपने नॉन वर्बल बिहेवियर जैसे कि जेस्चर, किस बात पे हम खुश होते हैं, किस बात पे हम नाराज होते हैं, पोस्चर से, आई कांटेक्ट से, किस प्रकार बच्चों के कौन से व्यवहार को हम एप्रिसिएशन देते हैं, हम हिडनली ट्रांसमिट करते हैं वैल्यूज बच्चों को, है ना। तो वो सब कुछ हिडन करिकुलम का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू बूस्ट्रॉम, हिडन करिकुलम रिफर्स टू स्टूडेंट लर्निंग दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय करिकुलम प्लानर्स और टीचर्स। जिन्होंने करिकुलम बनाया उन्होंने उसको वर्णन नहीं किया है उसका। एंड एक्सप्लिसिट एम ऑफ इंस्ट्रक्शन इवन दो इट रिजल्ट्स फ्रॉम डेलिबरेट प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, है ना। ना ही टीचर्स ने करना करिकुलम प्लानर्स ने ना कहीं इसका वर्णन किया है, ना कहीं ये एक्सप्लिसिट एम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया है, उसके बावजूद हमारे पढ़ाने लिखाने बातचीत करने में वो ट्रांसमिट होता है और वो हिडन करिकुलम कहलाता है, ठीक है। और नल करिकुलम, Eisner ने 1979 में ये टर्म दिया null curriculum, it refers to the curriculum which is not taught. Null मतलब पढ़ाया नहीं जाता है। This means curricular matters are not consciously but are taught by our silence. मतलब कि जो पाठ्यक्रम के जो मुद्दे हैं, this means curricular matters are not consciously but are taught by our silence. यानी कि हम जानबूझकर उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार हम क्या चीज नहीं पढ़ा रहे हैं वो ये तय करता है, ये सुनिश्चित करता है कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं वो null curriculum का हिस्सा है। That which we do not teach, thus giving students the message that these elements are not important in their educational experiences or in our society. यानी कि एक तरीके से हम क्या सिखा रहे हैं उनको, हम ये सिखा रहे हैं कि ये करिकुलम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये शैक्षिक अनुभव हमारे समाज के लिए, आपकी आगे की जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, ना। वी डू नॉट टीच, हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमने डिमार्केशन कर दिया कि ये जरूरी नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है। नल करिकुलम रिफर्स टू व्हाट इज नॉट टॉट बट एक्चुअली शुड बी टॉट इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब ये ऐसा है कि हम इसको पढ़ाते नहीं, लेकिन अगर समाज से जरूरत पड़े, कुछ ऐसा हो तो हम उसको पढ़ा भी सकते हैं, इन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्कूल एंड दिस एंड दैट। मतलब मोटा मोटा क्या है कि नल करिकुलम पढ़ाया नहीं जाता है। ओवर्ट करिकुलम क्या है, जानबूझ कर पढ़ाया जाता है। हिडन करिकुलम क्या है, हमने कहीं लिखा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे लेकिन हम फिर भी पढ़ा देते हैं। और नल करिकुलम क्या है, हम जानबूझ कर नहीं पढ़ा रहे, समझ में आ रही बात। और कोर करिकुलम, कोर is the minimum learning experiences that an individual needs for leading a satisfactory life in the society. वो कह रहे हैं कि core जो है वो minimum learning experience है, यानी कि कम से कम कौन से अधिगम अनुभव आपको मिलने चाहिए, बच्चे को मिलने चाहिए leading a satisfactory life in the society, मतलब आगे समाज में वो संतोषजनक जीवन जी सके, इसके लिए है। It prepares him or her for living and not for making a living. मतलब हम उसको जीवन के लिए तैयार करते हैं इट कोर करिकुलम के द्वारा, कि मतलब कोर मतलब वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्या जो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट मैटर विच में हेल्प हिम और हर टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट मे हैव टू बी फेस्ड बाय हिम और हर एज एन एडल्ट। यानी कि कोर करिकुलम में वो सब कुछ आता है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है जब आप वयस्क बन जाते हैं आपको नॉर्मल जीवन जीने के लिए। इसीलिए ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस, जब हम पढ़ाई के शुरुआती सालों में होते हैं, जैसे क्लास 6, 7, 8 तक सब बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि वो कोर करिकुलम है, क्योंकि वो साइंस मैथमेटिक्स सबको, मिनिमम साइंस मिनिमम मैथमेटिक्स मिनिमम इंग्लिश हिंदी सबको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आगे आपके सामाजिक जीवन के लिए, एडल्ट लाइफ के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए वो जरूरी है।
During the initial stages, the core learning experiences in the curriculum are emphasized, and as the child reach higher stages, the importance of core curriculum decreases. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, core curriculum की महत्ता कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप specialization की तरफ जाते हैं, और general चीजें हम लोग बचपन में पढ़ते हैं. तो जो general चीजें, जो सामान्य हैं, जो सबको पढ़नी है, वो core curriculum का हिस्सा है. In the beginning, the curriculum is the same for all pupils, and at a later stage, differentiation takes place and students are allowed to opt for subjects they like best. यानी कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाइए, वो पढ़िए जो आपको जरूरी है, जो आपकी choice का है, preference का है, specialization जिसमें आप अपना करना चाहते हैं, और बचपन में प्राथमिक स्तर पर वो पढ़िए जो core curriculum का हिस्सा है. The core curriculum tries to meet needs of every school child and helps to move towards advanced studies if he, she wants to continue education beyond this stage. है ना, यानी कि आपके स्पेशलाइजेशन आप कर सकें उसके लिए जो बैकग्राउंड है वो कोर करिकुलम बनाता है. आप जीवन में आगे सुनियोजित तरीके से जी सकें उसका बैकग्राउंड कोर करिकुलम बनाता है. तो ये है कोर पाठ्यक्रम. ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम जाना. सब्जेक्ट सेंटर्ड हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड हो सकता है, टीचर सेंटर्ड हो सकता है, एक्टिविटी सेंटर्ड हो सकता है. उसके अलावा ओवर्ट, जानबूझकर हम पढ़ा रहे हैं, हमने लिखा है कि ये आपको, ये हमने उसके लिए डिजाइन किया है, हमने प्लानिंग की है. हिडन, जो ना हमने लिखा है, ना हमने नोटिस किया है, ना ही हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा देते हैं. और नल, जो हम आपको नहीं पढ़ाते हैं. और कोर करिकुलम, जो सबको पढ़ना है, जो प्राइमरी लेवल पे. और आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, वैसे वैसे आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आप स्पेशलाइजेशन कर लीजिए. ओके, सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड द टॉपिक टाइप्स ऑफ करिकुलम. सो don't forget to like and subscribe my channel Explore Education, and it is done from my side. Okay.